आज के इस वीडियो में 50 पैसे के कुछ रेयर सिक्के मैं आपसे शेयर करूंगा। एक एक करके मैंने ये सिक्का कलेक्ट किया है। कलेक्टर्स के बीच ऐसे सिक्के का बहुत ही डिमांड है आज की डेट में। रेयर भी है, कीमती भी है और कलेक्शन के लिए ये सिक्का बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने लिया था, ये सेलर ने प्राइस रखा था 2.5 के, मतलब 2500, एक सिक्के का 2500। और इसका कंडीशन यूएनसी में है, आप देख सकते हैं एकदम चमकदार। ये भी अच्छा कंडीशन का है लेकिन उतना चमकदार नहीं है। यहाँ पर भी कुछ सिक्के हैं जो मैंने एक एक करके कुछ सर्कुलेशन से कुछ परचेज किया है और कुछ एक्सचेंज के माध्यम से मैंने कलेक्ट किया है। यहाँ पर कुछ कमोडिटी सिक्के हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 50 पैसे, अलग अलग, और सारे ही स्केयर्स हैं। तो शेयर करूंगा पूरा डिटेल्स आज के इस वीडियो में। पिछला जो वीडियो है आप जो देख रहे हैं स्क्रीन के साइड में, इस वीडियो का लिंक आज के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप ये वीडियो, मेरा रिक्वेस्ट है, कम से कम एक बार जरूर देखिए। आपको बहुत अच्छी जानकारी इस वीडियो से भी मिलेगा और आज के इस वीडियो से तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप न्यूज़ पे चैनल में नए हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, जो घंटे का बटन है, तो फिर जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूमिस्मेटिक चैनल न्यूमिस पेज। वीडियो के शुरू में ही अगर आप इस सिक्के में ध्यान देते हैं, यहां पर देखिए लिखा हुआ है फिशर इज म्यूल रेयर 2.5 के 2500, मतलब ये जो सिक्का है ये 50 पैसे फिशरीज थीम पे इशू हुआ था, ये आप देख सकते हैं, और ये एक म्यूल सिक्का है। इस सिक्के के बारे में ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर 4-5 वीडियो अपलोड किया है, लेकिन अलग अलग प्राइस था उस समय। एक समय इसी सिक्के का प्राइस था 500 रुपये, उसके बाद 700, 1200, 1500, आज की डेट में फिशरीज म्यूल का जो प्राइस है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2500। इस कंडीशन में अगर 2500 है तो फिर इस कंडीशन में ये जो चमकदार वाला आप देख रहे हैं तो इसका प्राइस कितना होगा, आप देखिए एकदम गोल्डन लस्टर है। दोनों में जो डिफरेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर यहाँ पर देखिए इसका कंडीशन देखिए और इसका कंडीशन देखिए, इसका भी कंडीशन अच्छा है, इसका भी लाइन अगर आप देखेंगे देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी इसका थोड़ा अच्छा है, ये थोड़ा सा कम है। तो ये यूएनसी है, ये एयूएनसी है, एयूएनसी 2500। तो यूएनसी का क्या प्राइस है आज की डेट में वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। अब दोस्तों म्यूल कैसे पहचानेंगे, जो कलेक्टर्स हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं, वो जानते हैं इस सिक्के का म्यूल क्या है। और अगर आपको पता नहीं है, ये भी एक सिक्का देखिए, इसका भी थीम है देखिए फिशरीज, सेम डिजाइन है। फिशरीज म्यूल पहचानना सबसे आसान है। फिशरीज म्यूल पहचानने के लिए आपको इसके ओवर साइड में देखिए, प्लेन है, ये भी देखिए प्लेन है, लेकिन इसमें देखिए यहां पर देखिए आप ओवर साइड में डॉटेड सर्कल है, देखिए डॉट 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 जैसा है यहां पर, लेकिन देखिए इस सिक्के में नहीं है, ये डॉटेड सर्कल नहीं है। अब कोई भी म्यूल देखिए, इसमें भी देखिए ये डॉटेड है, डॉटेड सर्कल है, और यहां पर भी दो म्यूल है, ये देखिए डॉटेड सर्कल है फिशरीज वाला, इसका भी कंडीशन अच्छा है, इसका कंडीशन थोड़ा सा लो है, लेकिन फिर भी देखिए डॉटेड जो सर्कल है वो पूरा सर्कल है, लेकिन इसमें वो डॉटेड सर्कल नहीं है। म्यूल कॉइन के बुक से मैं आपको दिखाऊंगा। अब दोस्तों ये जो कंडीशन है, ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये है वेरी फाइन प्लस कंडीशन, ये एक्स्ट्रा फाइन या फिर एयूएनसी कंडीशन नहीं है। इस कंडीशन में आज की डेट में इसका प्राइस है 1200 से 1500 रुपये, इसका कंडीशन थोड़ा सा इससे अच्छा है, तो इसका मुझे मिल सकता है वही 1500 से 1700 रुपये, इसका 2500, इसका मुझे मिल सकता है 3000 से मैक्सिमम 3500, उससे ऊपर नहीं दोस्तों।
यूएनसी मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा प्राइस मिलेगा। फिशरीज म्यूल रेयर है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम मिलता है। आप अगर फेसबुक में 50 पैसे फिशरीज म्यूल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 50 पैसे फिशरीज म्यूल ऐसे टाइप करके अगर फेसबुक में सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कितना ज्यादा पोस्ट है और जो सेलर्स हैं सेलर्स ने पोस्ट किए हैं और उसके माध्यम से आपको ये मालूम हो जाएगा कि कैसे फेसबुक में सेल किया जाता है और पोस्ट किया जाता है ग्रुप में या फिर अपने प्रोफाइल में। ये हो गया दोस्तों। तो आपके पास अगर फिशरीज वाला नॉर्मल सिक्का फिशरीज वाला म्यूल सिक्का कोई भी कंडीशन में अगर है तो आप मुझसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। यहाँ पर कुछ है तो सबसे पहले आइए देखते हैं जो म्यूल कॉइन का बुक है उसमें क्या दिया गया है, ये जो फिशरीज म्यूल है फिशरीज म्यूल कॉइन के बारे में। उसके बाद हम इस सिक्के में इस पैकेट में कौन कौन सा सिक्का है वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिशरीज का फिशरीज जो 50 पैसा है देखिए ये है ओवर साइड, ये है रिवर्स साइड और ये जो है ये देखिए नॉर्मल इशू, ये है म्यूल कॉइन का बुक। आप अगर अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे सर्च करेंगे म्यूल कॉइन बुक तो शायद आपके पास इसका लिस्ट आ जाएगा। नॉर्मल इशू क्यों है देखिए ओवर साइड में देखिए प्लेन है कोई भी डॉटेड सर्कल नहीं है या फिर रिवर्स साइड में। अब थोड़ा सा नीचे यहाँ पर देखिए ये है इंदिरा गांधी 50 पैसे का। अब दोस्तों आप सोचेंगे इंदिरा गांधी 50 पैसे फिशरीज 50 पैसे में क्यों है, क्योंकि देखिए ये इंदिरा गांधी नॉर्मल इशू, इंदिरा गांधी के जो सिक्के हैं इसमें देखिए ओवर साइड में डॉटेड सर्कल है और रिवर्स साइड में ये देखिए डॉटेड सर्कल है। अब दोस्तों इसे थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए अब जो फिशरीज म्यूल हुआ है ये देखिए ओवर साइड में है डॉटेड सर्कल, ये है म्यूल, ये देखिए म्यूल इशू। यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे और यहाँ पर जो आपने देखा ये देखिए इंदिरा गांधी के सिक्के में ओवर साइड में देखिए ये है डॉटेड सर्कल और अब यही डॉटेड सर्कल या फिर 50 पैसे इंदिरा गांधी सिक्के का ओवर साइड यहाँ पर आया है देखिए इस फिशरीज सिक्के में। यहाँ पर कुछ कमेंट है देखिए लिखा गया है कमेंट्स में ओवर्स ऑफ इंदिरा गांधी कॉइन ऑन द फिशरीज कॉइन हैज ए डॉटेड सर्कल ऑन द ओवर्स। तो वही बात है मतलब इंदिरा गांधी जो 50 पैसा है उस 50 पैसे डॉटेड सर्कल वाला ओवर्स यूज किया गया है इस फिशरीज 50 पैसे के ओवर साइड में, इसीलिए ये एक म्यूल सिक्का है। 1986 का इशू है कोलकाता से ये म्यूल हुआ है। और यहाँ पर जितना भी सिक्का है इसे हम एक साइड में करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कौन से सिक्के हैं। ऐसे करीब 10-20 पैकेट है अलग 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 टाइम पे मैंने इसे बाय किया है और कलेक्ट किया है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए एक एक करके ये आपको मिक्स दिखेगा, ये देखिए एक रुपये का एक सिक्का है यूएनसी कंडीशन में, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल 2 रुपये, चित्तरंजन दास 2 रुपये, नोएडा मिंट का है 1 रुपये, यूटीआर और ये है देखिए यूटीआर वाला लाल बहादुर शास्त्री और सारे ही कंडीशन अच्छा है, सारे ही कंडीशन अच्छा है। तो ऐसे मेरा कहने का जो मतलब है और इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ ऐसे आप कलेक्ट कीजिए, ऐसे अच्छे कंडीशन का सिक्का आप कलेक्ट कीजिए। आप जो कहते हैं कुछ व्यूअर्स सिक्के बिकते नहीं है लेकिन दोस्तों आपके पास जो बिकने वाला सिक्का होना चाहिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है और कौन सा सिक्का बिकता है किस कंडीशन का सिक्का बिकता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए जो मैंने कलेक्ट करके एक एक करके रखा है, अगर आपके पास ऐसे कलेक्शन है सुभाष चंद्र बोस 1997 वाला लेकिन इसका कंडीशन देखिए अच्छे कंडीशन का है तो ऐसे सिक्के बिक जाएंगे। ये जो देखिए एक और सरदार वल्लभ भाई पटेल देखिए कितना अच्छा कंडीशन है, इस कंडीशन का सिक्का अगर आपके पास है तो अगर आप एग्जीबिशन में जाएंगे तो वो सिक्के दोस्तों बिक जाएंगे। आपको कंडीशन अच्छा कंडीशन वाला सिक्का होना चाहिए। देखिए खराब कंडीशन का कोई भी चीज़ कोई भी बायर लेना पसंद नहीं करते हैं। आप अगर कहीं पर भी जाते हैं अगर
उसका जो आप बाई करना चाहते हैं जिस चीज को, वो अगर खराब है, कंडीशन अच्छा नहीं है, तो क्या आप बाई करेंगे? तो सिक्के के मामले में भी वही है, अच्छे सिक्के बिकते हैं। इतना ऐसे देखिए, ये एक दिन में कलेक्ट नहीं हुआ है दोस्तों, इसे कलेक्ट करने के लिए मुझे बहुत समय लगा है। और ऐसे जो कलेक्शन का जो पैकेट आपने देखा, ऐसे 10-20 पैकेट है, मतलब 20-25 साल से मैं कलेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। बाई करता हूँ, कुछ सेल करता हूँ, फिर से बाई करता हूँ, कुछ एक्सचेंज करता हूँ। एक्सचेंज से मेरा मतलब है, मान लीजिए ये एक सिक्का है सुप्रीम कोर्ट वाला, तो मेरे पास अच्छे कंडीशन का है, तो किसको, अगर कोई कलेक्टर है तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट वाला आप मुझे दीजिए, मैं आपको ये सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला देता हूँ। तो इसे एक्सचेंज कहते हैं, बाइंग सेलिंग नहीं। तो ऐसा भी होता है, जैसे इस सिक्के में कुछ हुआ है, मैंने कुछ एक्सचेंज किया था। तो दोस्तों ऐसे आपको करना है। और जो जो आपका जो कॉइन एग्जीबिशन है, आपको कॉइन एग्जीबिशन विजिट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा। आपके पास अगर ऐसे कलेक्शन है तो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। मैं भी कलेक्ट करता हूँ, आप भी कलेक्टर हैं, तो आप अगर शेयर करेंगे वीडियो के माध्यम से, मैं भी शेयर कर रहा हूँ, आप अगर शेयर करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। आप निविस्पे चैनल के साथ इंस्टाग्राम पे जुड़िए, आपके पास जो कलेक्शन है आप मुझसे शेयर कीजिए, instagram.com/newspage। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नया जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।